नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि देश और पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था, कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक नए स्तर पर नालंदा को विकसित करने की नालंदा विश्वविद्यालय की कोशिश की गई और नव नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। अभी भी 2006 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। और इस विश्वविद्यालय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी, जो कि नव नालंदा महाविहार के कुलपति हैं। इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताते कि जो संकल्पना थी इसे बनाने को लेकर क्या थी, राजेंद्र बाबू को कैसे मिली? प्राचीन काल में जिस विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय शब्द प्रचलित नहीं था जी। प्राचीन विश्वविद्यालय जिसे कहते उसका नाम था नालंदा महाविहार जी। और आपने सही कहा कि 415 ईस्वी के आसपास कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की और धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना, जहाँ पर कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। श्वेनसांग की बात हम करते हैं, सिंह की बात करते हैं और अन्य अन्य बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनके नाम हम लोग पाते हैं अपनी सूचियों में जो भारतीय पढ़ने के लिए। श्वेनसांग जब आया था 7वीं शताब्दी में तो उसने वर्णन किया है कि उसमें वहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और 1500 शिक्षक थे। तो एक इसमें न केवल बौद्ध धर्म की पढ़ाई थी, पाली, संस्कृत इत्यादि, बल्कि दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, वैदिक जो ज्ञान है वो, और इस तरह से अन्य अन्य विषयों की पढ़ाई थी। बाद में इसको 1193 के आसपास बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया और तब से हमारे यहाँ से ज्ञान का एक भंडार जो परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो गई। उसी को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र बाबू ने, जो हमारे प्रातः स्मरणीय और महर्षि उनको मैं कहता हूँ, राजर्षि थे वो, राजेंद्र बाबू को खुद ही बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे, तो उनको भारतीय ज्ञान में और उनकी परम्परा में आस्था थी और कई सारे देशों के प्रतिनिधियों ने जब विदेशों भ्रमण भी किया तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बुद्ध धर्म का तो ज्ञान या जो संदेश है तो हम पूरे विश्व को आपके देश से मिला है, तो क्यों नहीं आप अपने देश में जो परंपरा समाप्त हो गई उसको फिर से लागू करते हैं। इसलिए इस संकल्पना के साथ राजेंद्र बाबू ने 20 नवंबर 1951 को अपने हाथों इसका शिलान्यास किया था और तब से भिक्षु जगदीश कश्यप उसमें प्रथम उसके निदेशक बने थे। उनको नालंदा के मालवीय जी कहा जाता है कि जिस प्रकार मालवीय जी ने एक एक पैसे इकट्ठा करके BHU की स्थापना की, उसी प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में अलग जगाई, उस क्षेत्र के लोगों को बताया कि यह कितनी गौरवपूर्ण धरती है और इस प्रकार से 1951 में इसकी स्थापना की गई। और इसका मूल जो उद्देश्य यह भी था कि पाली के माध्यम से जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाली मुख्य एक भाषा है और उसको जिस प्रकार से भारत में सनातन धर्म में संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, उसी प्रकार से वे लोग भगवान बुद्ध की वाणी कहते हैं, तो पाली एक बहुत बड़ा सेतु का काम कर सकती है। इसलिए इसको पाली अध्ययन के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। बाद में चल करके और भी अन्य अन्य विषय बने। अभी 9 विषयों की हम पढ़ाई करते हैं, अध्यापन और शोध कार्य होता है वहाँ पर। पाली है, बौद्ध अध्ययन अलग से है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, दर्शन है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और पुरातत्व विभाग है, तिब्बती है और चीनी और जापानी है। तो इस तरीके से इन विषयों की हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे यहाँ हर वर्ष साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से जो चाहे वो बौद्ध भिक्षु हों या अन्य हों, वो सब आते हैं, पढ़ते हैं और शोध करके जाते हैं। सर, एक प्रश्न था कि आखिर इसमें नामांकन का कब समय होता है
और जैसे कि विश्वविद्यालयों में होता है स्नातक होता है परास्नातक होता है, उस तरह की डिग्री है कि और शोध के लिए है ये? स्नातक स्नातक तक की पढ़ाई पाली में, पाली ऑनर्स है और पाली तिब्बती चाइनीज इन तीनों में सर्टिफिकेट डिप्लोमा के अभी कोर्स चलता है और अन्य विषयों में एम ए की पढ़ाई है और पी एच डी दोनों है जो रेगुलर कोर्स भी है। और अभी जो कोरोना के कारण से दिक्कत हो गई है पूरे विश्व भर में तो उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। कुछ जो स्थानीय बच्चे हैं वो आकर के स्वयं आते हैं और उनके भी क्लास करते हैं और हम लोग ऑनलाइन भी क्लास लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा काम। कितने सर छात्र हैं जो अभी समय उसमें नामांकित हैं और क्या ये रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है क्या जिस तरह पहले नालंदा महाविहार हुआ करता था? ये पहले प्राचीन काल का जो महाविहार था उसमें मुख्य रूप से वो आवासीय था जी। आजकल हमारे पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है कि 650 को हम एकोमोडेट कर पाएँ, लेकिन जो विदेशी जो आते हैं अधिकतर उसमें उनके लिए हॉस्टल्स हैं, लड़कियों के लिए भी हैं लड़कों के लिए भी हैं। परंतु ऐसे ऐसे संस्था का विकास होता जाता है तो उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है, लेकिन अधिकांश बच्चों को छात्रावास मिल जाता है। सर एक प्रश्न मेरा अपना है, मैं पूछना चाहता हूँ कि नौ नालंदा महाविहार है, फिर से नालंदा में ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, क्या लगता है सर जो वो भी 10 साल से स्थापित है, जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का जो एक उसका जो छवि था जो अध्ययन का स्तर था, क्या फिर से वो नालंदा में स्थापित हो सकता है इन दोनों विश्वविद्यालयों के माध्यम से? देखिए इसको प्राचीन काल का जो जैसे नाम से स्पष्ट है, प्राचीन काल का जो विश्वविद्यालय था उसका नाम था नालंदा महाविहार और जब उसका ध्वंस हो गया उसको पुनर्जीवित किया गया, केवल नव शब्द जोड़ दिया गया नव नालंदा महाविहार, तो इससे स्पष्ट है तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में हमारे संस्थान की स्थापना की गई। एक दूसरा विश्वविद्यालय बना, विश्वविद्यालय तो ज्ञान का भंडार है और कितने भी विश्वविद्यालय नालंदा के नाम पर खोले जा सकते हैं, उनका अपना उद्देश्य है, उन ज्ञान का अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, स्कूल करा रहे हैं, तो ज्ञान का तो कोई अंत है, इसलिए उसके लिए कितने भी विश्वविद्यालय बनाए जाए सबका स्वागत है। अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ थे प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी। आपको हम बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो कि इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा और उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हुआ करता था और उसी को फिर से जीवंत करने का प्रयास हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू द्वारा किया गया और अभी जो है उसमें पढ़ाई चलती है, डिम्ड यूनिवर्सिटी है और जैसा ही कुलपति साहब ने बताया कि विद्या का कोई और छोर नहीं है, वो जितने विश्वविद्यालय बनाए जाए तब भी वो अंत नहीं है उसका, और जो एक नालंदा की छवि जो पूरी दुनिया में बनी हुई थी वो फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है और समय के साथ इसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन भी होंगे और इसका लाभ भी मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।